स्टूडेंट्स, अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन वेलकम है। आज हम लोग फिर से क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के लिए लाइट सेक्शन में अगला टॉपिक लेके हम लोग आए हैं। अगला टॉपिक ये है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध हमको पढ़ना है आज, राइट। तो आइए सीखते हैं। टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकस दूरी को इंग्लिश में बोला जाता है फोकल लेंथ, इन स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। क्या रिलेशन है इसको देखिए। रिलेशन यह है कि पहले चीजों को समझेंगे, जैसे कोई भी यह आपका गोलीय दर्पण है, यह ध्रुव है जिसको हम पोल बोलेंगे, ये फोकस है प्रिंसिपल फोकस और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। आर को ही बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। ध्यान से समझें, पोल यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाती है और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, यस। अब हमें इसके और इसके बीच का रिलेशन हमें जानना है, तो ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस दूरी का आधा होता है, दुगना होता है। जैसे फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, यस, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर होगा तो ये उसका आधा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा, यस, ठीक है। यानी फोकल लेंथ का ये जो होता है वो क्या होता है, दुगना होता है। यहां अगर 10 है तो यहां भी क्या होगा, 10, और 10 10 मिला के टोटल क्या हो गया, 20 हो गया, यस, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन क्या है इसको समझना है, वक्रता त्रिज्या बराबर दुगुना फोकस दूरी। क्या फॉर्मूला हुआ, वक्रता त्रिज्या बराबर दो गुना फोकस दूरी, राइट। यानी वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं, तो आर बराबर 2 × f, एक ये फॉर्मूला आया। यानी अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो आर निकल जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला आएगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या और बटा में 2। वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा फोकस दूरी आ जाएगा। संकेत के रूप में फोकस दूरी को f लिखेंगे, f बराबर r/2, यस, क्लियर। यानी r = 2f और f = r/2। यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी और फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2।
क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से न्यूमेरिकल में, सिंपल में, ये दोनों दर्पण के लिए लागू होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी में ये फॉर्मूला यूजफुल है, एप्लीकेबल है। कहेगा यदि फोकस दूरी बराबर 12.3 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्यूशन में। हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, यानी 2 गुना फोकस दूरी कितना है, 12.3 सेंटीमीटर, आंसर हुआ 24.6 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रही है बात, वेरी सिंपल। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन आएगा, यदि वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाता है, तो सॉल्यूशन में हमारा होगा फोकस दूरी बराबर, फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या बटा में 2। तो वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर है और 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन, इस स्लाइड में हमने पढ़ा गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। संबंध यह है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, यानी r बराबर 2 × f, और फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2। चलो ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ठीक है, यहां क्वेश्चन भी मैंने बताया, देखिए फोकस दूरी 12.3 है तो वक्रता त्रिज्या उसका दुगना हो गया 24.6, और यदि वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसका आधा फोकस दूरी 10 हो गया। यस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। कोई दर्पण ले ले, अवतल या उत्तल। अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग आज ये सिद्ध करना सीखेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर r/2 × f ये होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना क्या, फोकस दूरी, यानी r/2 × f। इसका हम पढ़ेंगे क्या चीज, सिद्धीकरण। इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि कैसे साबित हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा सब। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके प्रूफ में दो चीज की जरूरत होगी, दो कॉन्सेप्ट आपको इसको प्रूफ को समझने में आपको हेल्प करेगा। पहला कॉन्सेप्ट है, यहां मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है तो एंगल आई एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। यस, परावर्तन के नियम के अनुसार
आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें मदद करेगा और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें मदद करेगा कि अगर ये दो समांतर रेखा है और ये बीच से त्रियक छेदी रेखा या त्रियक रेखा है, यस ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, राइट। यानी अगर 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री है। ये दोनों चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। इस दोनों का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। आइए देखते हैं, हमारे पास एम एम डैश एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी फोकल लेंथ है या फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। ध्यान से समझिएगा, एक किरण जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये सी है। पिछले क्लास में मैं सारे चीज का डिटेल से आपको स्टडी करा चुका हूं। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकल मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। तो जब कोई भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर जाती है तो दर्पण से टकरा के कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, आप जानते हैं इस चीज को। तो चलिए इसको फोकस से हम लोग गुजार देते हैं, यस, कहां से गुजर गया, ये फोकस से गुजर गया, राइट। ध्यान दीजिएगा, इस किरण का नाम हमने रखा ए बी। ए बी एक किरण है जो इस दर्पण से टकराकर किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, और ये जो ए बी किरण है वो समांतर अक्ष मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। अब यहां एक गौर चीज कीजिएगा आप कि सेंटर से इसको किसी पॉइंट पर मिलाते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो यहां पर गौर कीजिएगा, अगर आप इस लाइन को मिलाते हैं इसे सी और बी को मिलाते हैं तो ये सी बी किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूज हो गया ना ये कॉन्सेप्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यस, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिए हम लोग, इसको मिला दिए तो यहां पर एक कोण बना, इसको आई बोलेंगे और ये दूसरा कोण क्या बना, आर बना। कोई कंफ्यूजन साहब, आर बना, राइट। और आप जानते हैं नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि एक अवतल दर्पण एम एम डैश है जिसका ध्रुव पी वक्रता केंद्र क्या सी एवं, दिख रहा है ना आप लोगों को, एवं तुम्हीं को बोल रहा है, दिख रहा है वहां पर, एवं मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस एफ है, यस। यहां एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है और मुख्य फोकस एफ है। ये इंट्रोडक्शन है इसका, अब ध्यान देना है। मुख्य अक्ष का नाम क्या रखेंगे, पीसी। मुख्य अक्ष पीसी के समांतर, मुख्य अक्ष पीसी के समांतर कौन सा किरण जा रहा है, ए बी एक क्या है, किरण है जो दर्पण से क्या करके टकराकर, यस, परावर्तित होकर, परावर्तित होकर कहां से गुजरती है, एफ से गुजरती है, राइट। अब किसको मिलाते हैं आप बताइए, बीसी को क्या करते हैं, मिलाते हैं,
बीसी को मिलाते हैं। बीसी को हमने मिला लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां दो कोण बना, यह आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो इस कोण का नाम क्या है? एंगल ए बी सी। यस, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी। यस, और इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? एंगल एफ बी सी या सी बी एफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नियम के अनुसार ये कोण इसके क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, एंगल ए बी सी, क्लियर है? ठीक है, ये क्या है? एंगल आई है, आपतन कोण है, तथा एंगल एफ बी सी क्या है? ये एंगल आर है, राइट? ठीक है, परावर्तन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा बोलिए? एंगल आई एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल आई कितना है? एंगल आई का नाम हमने रखा ए बी सी। ये बराबर है किसके? एंगल एफ बी सी के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन वन आ गया। बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, 1% भी अब है कोचिंग में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। केवल सीरियसली इसको क्या करना है, हम आपको जम के पढ़ाएंगे, आपको केवल क्या करना है, यहां पर फोकस करना है, अपने मन को और अपने तन को, दोनों को आप इस जगह पर अगर रखेंगे तो गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर, एंगल आई का मतलब ए बी सी और एंगल आर का मतलब एफ बी सी, एंगल ए बी सी एफ बी सी के क्या है? बराबर है। यस, ये हमारा आ गया इक्वेशन वन। अब देखिए आप, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक रेखा कौन है हमारा? ए बी, और दूसरा ये हमारा सी पी। यस, और इस लाइन को हम त्रियक रेखा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? किसको? बी सी क्या है? त्रियक रेखा है। देखिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और ये त्रियक रेखा है। गौर कीजिएगा, एक रेखा ये, दूसरा रेखा ये, दोनों समांतर रेखा है और यहां कौन है? त्रियक रेखा है। यस, तो यहां पर ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा किससे? अंतः एकांतर कोण से। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? बी सी समांतर है किसके? सी पी के। यस, तथा बी सी नहीं, ए बी ना, ए बी, ए बी समांतर है किसके? सी पी के। तथा बी सी एक क्या है बोलिए? त्रियक छेदी रेखा है। ये त्रियक छेदी रेखा है। तो जैसे ही त्रियक छेदी रेखा हुआ तो कौन सा? ये कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा, राइट? तो क्या लिखेंगे यहां के बाद? इस जगह चले आते हैं, एंगल कौन सा? ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल किसके? ये बराबर होगा किसके? एंगल ये बराबर होगा एंगल इसके। इसका नाम क्या होगा? एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा, ये इसके क्या है? पैरेलल है और ये त्रियक रेखा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा टू आया और यहां लिख देंगे अंतः एकांतर कोण से। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, राइट? इक्वेशन वन कहता है एंगल एबीसी बराबर है एंगल एफबीसी के, और यहां कहता है एंगल एबीसी बराबर है एंगल एफसीबी के। कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये एबीसी एबीसी के बराबर है, तो एफबीसी एफसीबी के बराबर होगा, एलएचएस एलएचएस के बराबर, तो आरएचएस आरएचएस के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहां समीकरण एक एवं दो से, राइट? समीकरण एक एवं
दो से। यहां एक चीज का आप ध्यान देंगे यहां पर कि यहां से यहां तक की दूरी r है, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, कहां से p से c के बीच की दूरी r है और यहां से f से लेकर p की दूरी को क्या कहेंगे, f बोलेंगे। यस, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं cp बराबर क्या हो जाएगा, r, और pf बराबर होगा f। यानी जहां जहां CP होगा वहां वहां R लिख सकते हैं और जहां जहां PF होगा वहां वहां आप F लिख सकते हैं। यस, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण एक एवं दो से क्या होगा, एंगल FBC बराबर होगा एंगल FCD के। अब गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल FBC, FBC ये है और एंगल FCB ये है। यस, यानी अब देखिए कि BCF एक त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए BCF एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण बराबर है, तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे उसकी दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। चूंकि कोण और भुजा दोनों एक दूसरे का दोस्त होता है, तीन कोण बराबर तो तीनों भुजा बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, और कोई कोण बराबर नहीं तो कोई भुजा बराबर नहीं। यस, ठीक है। तो दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर होगी, और इस आधार पर ये जो त्रिभुज होगा हमारा BCF ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। और कौन भुजा बराबर होगा साहब, तो ये कौन सा होगा, ये FB और CF, ये भुजा क्या होगा हमारा, बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज किसमें, BCF में, त्रिभुज BCF में कोण FBC बराबर कोण FCB, अतः त्रिभुज A, त्रिभुज BCF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए CF किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो द्वारक जैसे जैसे, ये देखिए द्वारक कौन है, एमएम डैश है, द्वारक छोटा होगा तो बी पॉइंट यहां पर आएगा और घसकेगा, और छोटा होगा तो बी पॉइंट यहां घसकेगा, और छोटा होगा तो बी पॉइंट यहां घसकेगा, और छोटा होगा तो बी पॉइंट यहां घसकते घसकते ये किस पर मिल जाएगा, पी पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दर्पण को छोटा करेंगे तो बी पॉइंट घसकते घसकते किस पर मिल जाएगा, पी पर। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी पी से मिल जाती है। बिंदु बी किससे मिल जाएगी साहब, पी से मिल जाएगी। यानी ये एफ बी जो होगा, जब बी किससे मिल जाएगा, पी से मिल जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, एफ बी किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, यदि ये अभी एफ बी है, ये बी घसकते घसकते पी पर आ गया तो एफ बी एफ पी के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि एफ पी किसके बराबर होता है, एफ पी जो होता है, चूंकि एफ पी जो है हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। अभी पढ़ाया है कि एफ पी या पी एफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। यस, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और एक और चीज, एफ बी या एफ बी जो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एक और चीज आप कर सकते हैं इस चीज को कि सी एफ किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। ऑलरेडी ये तो दिया हुआ है कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये हो गया इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पता चला कि
सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के क्या है या पी एफ के क्या है, पी एफ के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, एफ बी किसके बराबर है, एफ बी किसके बराबर है, एफ पी या पी एफ, क्या किया यहां पर, सी एफ, सी एफ बराबर है किसके, एफ बी के, ये तो क्लियर हो गया, और एफ बी बराबर है एफ पी के, ठीक है, एफ बी बराबर है एफ पी के, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो सी एफ बराबर किसके हो गया, एफ पी के बराबर हो गया, सी एफ किसके बराबर हो गया, एफ पी के क्या हो गया, बराबर हो गया, यस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब गौर कीजिए, पी सी क्या, पी सी ये पी से लेकर कहां तक की बीच की दूरी, पी सी, पी सी बराबर क्या होगा बोलिए, पी सी के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, पी सी के लिए एफ पी, पी सी के लिए कहां जाना पड़ेगा, एफ पी प्लस एफ सी या सी एफ, थोड़ा सा इधर उधर है, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, सी एफ के जगह एफ सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां चाहिएगा तो हम सी एफ ही लिख देते हैं, और यहां एफ पी के जगह, ये एफ पी है ही, आप चाहेंगे तो क्या चाहिएगा, ठीक है, यही चाहिए एफ पी, यस, ठीक है, तो पी सी बराबर एफ पी, पी सी बराबर क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी पी सी है, तो पी सी बराबर क्या हो गया, एफ पी और प्लस क्या हो गया, एफ सी या सी एफ, यस। अब बताइए ये पी सी बराबर एफ पी, एफ पी प्लस सी एफ भी किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है कि नहीं, तो यहां भी देखिए एफ पी के बराबर सी एफ, तो सी एफ के जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं, तो हमारा पी सी बराबर टू एफ पी हुआ यहां पर, पी सी बराबर टू एफ पी, और पी सी किसके बराबर है, देखिए पी सी किसके बराबर है, आर, तो पी सी बराबर क्या हुआ, आर, पी सी देखिए पी से सी के बीच की दूरी क्या है, आर, आर बराबर टू इन टू एफ पी क्या है आपका, एफ पी क्या है, एफ, यानी हमारा आर बराबर टू इन टू एफ, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, राइट। एनी कंफ्यूजन, इसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसको उतारिए पहले।